नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उस घोटाले की जिसने सियासत में भी भूचाल ला दिया है। पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूल शिक्षक की भर्ती में घोटाले में जो कैश सामने आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। और अर्पिता मुखर्जी जो करीबी मानी जा रही हैं पार्थ चैटर्जी की, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है, उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और मनोज्ञा लोहिवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, इस पूरे मामले के अंदर अर्पिता की गिरफ्तारी तो हो चुकी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन आगे इस मामले की जांच में क्या कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है? ये तो शुरुआत है। ईडी के सूत्रों के अनुसार अभी उन्हें जितने रुपए, जितनी रकम मिली है उसके आधार पर अभी दस्तावेजों के साथ उन्हें मिलाया जाएगा। और क्योंकि इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, दस्तावेजों के अनुसार ये रकम नहीं है, जिसकी वजह से अब एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो रहा है। फिलहाल अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। वहीं दूसरी ओर पार्थ चैटर्जी जो इस समय एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं और ईडी की निगरानी में है, वहां ईडी ने आपत्ति जताई है ये कहते हुए, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा चालित अस्पताल है, इसलिए वो उसे पार्थ चैटर्जी को या तो कमांड हॉस्पिटल या फिर किसी केंद्रीय सरकार के अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिक्कतें किसी भी तरह की आ सकती हैं। शुक्रिया मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में आपको लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट देंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर कि मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, जिनके यहां से 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। और ईडी की इस गिरफ्तारी में इस कैश को, इस रकम को ले जाने के लिए भी कई गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा था। अर्पिता मुखर्जी जो कि एक स्मॉल टाइम एक्टर हैं, और साथ ही पार्थ चैटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनके 2016 में भर्ती घोटाले में उनके तार जुड़े हुए हैं और 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। ये शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है ये आपको बता रहे हैं। 2017 में भर्ती परीक्षा के नतीजे आए और इसमें सिलीगुड़ी की बबीता 20वें नंबर पर थी, जहां से ये पूरा सिरा शुरू हुआ जानकारी का। बाद में आयोग ने इस लिस्ट को रद्द कर दिया, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया थी इसमें गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। नई लिस्ट में बबीता का 21वां स्थान आया। नई लिस्ट में पहले नंबर पर अंकिता अधिकारी थी। 2016 की परीक्षा और 2017 में जो नतीजे आए उसके बाद जो लिस्ट आई उसकी ये जानकारी है। और नई लिस्ट के बाद बबीता हाईकोर्ट चली गई थी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ पर आपत्ति थी और हाईकोर्ट ने आयोग से दोनों ही नंबर शीट मांगी थी, क्योंकि ये अंक तालिका कैसे बदली इस पर सफाई मांगी गई कोर्ट की तरफ से। 16 नंबर होने के बावजूद अंकिता किस तरीके से ऊपर के पायदान पे पहुंची। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।